subscribe my channel and turn on notification. Thanks. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों. दोस्तों आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ. दोस्तों आज मैं कर रहा हूँ रिव्यू Xiaomi के मोबाइल का Redmi Note 5. Note 5 जो इंडिया के अंदर Redmi Note 5 Pro है उसका गेमिंग रिव्यू कर रहा हूँ. चलिए दोस्तों शुरू करते हैं. दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए तीन गेम्स प्ले करूँगा. एक जो है नीड फॉर स्पीड नो लिमिट्स है, एक और एक पबजी है और एक सबवे सर्फर है. दोस्तों ये तीनों गेम मुझे जो पबजी है और ये नीड फॉर स्पीड नो लिमिट्स है, ये दो जो गेम हैं जो काफ़ी हैवी गेम्स हैं और ये जो गेम्स हैं ये इस मोबाइल की परफॉर्मेंस का बता सकती हैं. ये मोबाइल कैसा है, किस तरह की परफॉर्मेंस मतलब आपको दे सकता है. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले प्ले करेंगे नीड फॉर स्पीड नो लिमिट्स. दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो गेम है ये नेट के साथ चलेगी. इस वक्त मोबाइल की बैटरी 50% और नेट भी ऑन है. डुअल 4G वो भी वर्क कर रहा है और हम बैटरी कंज्यूमिंग भी देखेंगे और इसका गेम की कोई अंदर लैग वगैरह वो भी देखेंगे. गेम लोड कर रहा है. मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने इसके ऊपर गेमिंग काफ़ी ज़्यादा की है. ये भी और पबजी भी काफ़ी ज़्यादा ट्राई की है पर ये जो मोबाइल है ये किसी भी तरह का इसके लैग महसूस नहीं हुआ मुझे. बहुत अच्छी गेम करता है. ये भी गेम ऑन हो चुकी है. गेम काफ़ी फास्ट चल रही है. आवाज़ को कम कर लेते हैं. ये गेम है काफ़ी फास्ट चल रही है. मैंने ये गेम पहले कभी खेली नहीं इसलिए मैं थोड़ा सा ड्राइविंग के मामले में थोड़ा सा अच्छा हूँ. पर ये गेम बहुत फास्ट चल रही है, मतलब कोई लैग कोई भी इशू नहीं इसके अंदर आ रहा है. आप देख सकते हैं कोई इशू इस गेम मोबाइल के अंदर नहीं है. बहुत फास्ट गेम चल रही है और टच इशू भी कोई नहीं है. बहुत अच्छी गेम ये प्ले कर रहा है. इस गेम को प्ले करते हुए 6 की जान निकलती है. सैमसंग 7 की जान निकलती है. काफ़ी हैवी गेम है. ये तकरीबन 1.5 GB की गेम है और ये मैंने इसको अभी रेस खत्म कर लेते हैं. ख़त्म करने के बाद इसको हाई रेजोल्यूशन पर सेट कर लेते हैं. हम देखेंगे लेकिन मैं फेल हो गया. अब दोस्तों इसको सेट में जाके नहीं तो लगता हूँ. दोस्तों जो उसकी सेटिंग है वो मुझे नहीं मिली. मैंने ढूंढी वो मुझे मैंने देखा है बार और जब मैं इस गेम के अंदर लॉग इन हुआ तो मुझे इसकी सेटिंग रिसीव होगी तो मुझे पता लगा इसकी सेटिंग. पर मैंने जब इसको गेम को फर्स्ट टाइम ऑन किया था तो उसकी सेटिंग वो थी मीडियम पर सेट थी और मैंने इसको हाई रेजोल्यूशन पर सेट किया हुआ था. ये फुली हाई पर चल रही है. HD रेजोल्यूशन पे अल्ट्रा HD नहीं चल सकती. वो कोई अपडेट आएगी इसकी मोबाइल के अंदर तो उन्होंने ये मैं कहा था अपडेट के साथ साथ वो चलेगी. मैं कैमरा फोकस कर लूँ वो अल्ट्रा HD के साथ वो चलेगी. फिर ये मैंने काफ़ी गेम्स खेली हैं. ये देखिए मैंने एक दफ़ा इस मोबाइल के अंदर जो थी ना लैग नहीं महसूस हुआ. इतनी फास्ट गेम चलती है जो हिसाब नहीं है. दोस्तों ये वीडियो जो अंसी है दोस्तों मैं आज मोबाइल के साथ बना रहा हूँ तो इसके लिए सॉरी दोस्तों क्योंकि मेरे पास जो कैमरा था वो ख़राब हो चुका है. कल मैं बारिश के अंदर गया था वहाँ वो पानी के अंदर गिर गया और ख़राब हो गया. काफ़ी जर्की वीडियो आएगी, हिलती होगी. सॉरी दोस्तों इसके लिए वीडियो क्वालिटी के लिए सॉरी. इंशाल्लाह आगे जो वीडियो आएंगी वो दोस्तों
अच्छी हैं जी। आप देख सकते हैं बहुत तेज़ भी गेम चल रही है, मगर कोई वगैरह कंट्रोल में कुछ चीज़ में कोई लैगिंग नहीं है, कैमरा कोई फ्रेम कोई करप्ट हो रहा है कुछ चीज़ भी नहीं है, बहुत फास्ट की गेम चल रही है। मैं फिर से हार गया हूँ गेम के अंदर। दोस्तों फेल हो गए हैं। चलिए दोस्तों हम अब दूसरी गेम को ट्राई करते हैं जो कि नाम पबजी है। दोस्तों स्लो इसलिए चल रही है, नेट का मसला आ रहा है, कल की हमारे यहाँ शहर में बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, बारिश की वजह नेट वगैरह आज थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। दोस्तों ये गेम बहुत ही अच्छी प्ले करता है, पबजी को भी बहुत अच्छा प्ले कर रहा है और नीड फॉर स्पीड नो लिमिट को तो बहुत ही तेज़ और अच्छे से प्ले करता है। जो पबजी है दोस्तों इसके अंदर मीडियम रेजोल्यूशन पे चलती है, वो हाई रेजोल्यूशन का हाई रेजोल्यूशन का वो इसके अंदर ऑप्शन आता ही नहीं है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, सेटिंग दोस्तों ये देखेंगे ग्राफिक सेटिंग, ये देखें मीडियम का ऑप्शन ऑप्शन आता है, बैलेंस ये एच डी दोस्तों जब आप करेंगे एच डी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको देखिए ऑप्शन देगा दिस ऑप्शन विल बी अवेलेबल ऑन योर डिवाइस सून, और जब आप एच डी आर पर करेंगे ये भी सून कहेगा, और जब आप अल्ट्रा एच डी पर करेंगे तो कमिंग सून कहेगा, और जो इसके फ्रेम रेट है वो मीडियम पे सेट है, वो खुद ब खुद मीडियम पे सेट हुए हैं, इससे ऊपर का कोई ऑप्शन आता ही नहीं है। पर ये प्ले बहुत अच्छी करता है गेम, ये हम स्मूथ पे कर देते हैं क्लिक पहले, थोड़ा हम बैलेंस्ड पे कर देते हैं इसको हाई, इसकी जहाँ तो नहीं जाता थोड़ा सा हाई कर देते हैं इसको, हाई रेजोल्यूशन पे कर लिए गेम तो इसकी मैक्सिमम सेटिंग्स हैं। जी दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत अच्छा प्ले कर रहा है, कोई भी लैगिंग वगैरह मुझे महसूस नहीं हो रही अभी तक, तो अभी थोड़ा सा लैग किया इसने क्योंकि मैंने रेजोल्यूशन काफ़ी हाई सेट की हुई है, अगर आप स्मूथ पे सेट करेंगे तो नहीं ये लैग करेगा, अभी बिल्कुल बहुत थोड़ा सा लैग कर रहा है महसूस हो रहा है, बहुत तेज़ अगर आप कैमरा घुमाते हैं तो, और अच्छी गेम प्ले है मतलब स्लो नहीं चल रही मोबाइल पर कोई इतना ज़्यादा कहेंगे लोड पड़ रहा है वो इस तरह कोई बात नहीं है जी। आप दोस्तों ग्राफिक्स जो उसके ग्राफिक्स हैं वो अच्छे हैं, इतने बुरे भी नहीं हैं, मीडियम पे सेट हैं, देख सकते हैं कोई लैगिंग वगैरह कोई ऐसी मेजर लैगिंग वगैरह इसके नहीं है, वो हल्की फुल्की वो भी जो इसके अगर आप इसकी रेजोल्यूशन को हाई पे सेट करेंगे तो, और अगर आप इसको लो पे सेट करेंगे मतलब जहाँ ये पहले सेट होगा खुद ब खुद वहीं सेट करें इसको रखेंगे तो ये कभी भी आपको मतलब मसला नहीं करेगा, आपको ये अच्छी गेम प्ले देगा, ये पबजी नीड फॉर स्पीड नो लिमिट्स हर चीज़ की ये प्ले काफ़ी अच्छी देगा आपको, आप जब चाहें इसको इस पे पर कोई भी गेम प्ले कर सकते हैं, ये हर गेम को प्ले करने का लायक है। जी हर गेम को प्ले कर सकता है, कोई भी ऐसी गेम नहीं है जो ना प्ले कर सकता हो,
बहुत अच्छी है। शाओमी ने जो मोबाइल बनाया है इसके अंदर प्रोसेसर जो लगा है वो अब दोस्तों जी गेम प्ले हो चुकी है जी, आप देख सकते हैं गेम प्ले हो रही है अच्छी सेटिंग पे, हाई रेजोल्यूशन पे गेम प्ले हो रही है। सारे कंट्रोल भी इस पर मुकम्मल है, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, कोई ऐसा कंट्रोल नहीं जो उस पर काम ना कर रहा हो और कोई मेजर लैगिंग वगैरह नहीं है जी। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी गेम प्ले हो रही है, हल्की फुल्की थोड़ी बहुत लैगिंग महसूस हो रही है। अगर आप इसको मीडियम सेटिंग पे चलाएंगे जहाँ जहाँ से खुद ब खुद पहले सेट होता है तो ये कोई लैगिंग नहीं करता, अभी थोड़ी सी लैगिंग कर रहा है और मुझे हीट भी थोड़ी सी इसके अंदर फील हो रही है। हीट अप ये दोस्तों होता है बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का। और ये शाओमी ने जो मोबाइल है बहुत अच्छा बनाया है, जो जो दोस्तों ये जो गेम है मैंने पहले आज तक अभी नहीं खेली, अभी मैं खेल रहा हूँ। ये मैं देख लिया काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इस गेम की है इसके मोबाइल के अंदर, और अब इसको बंद कर देते हैं, सर्वर सर्वर प्ले करते हैं। ये दोस्तों प्ले हो रही है, ये दोस्तों ये तो गेम को इसका इस तरह से प्ले करता है चुटकियों के अंदर, ये बाएं हाथ का खेल है जी इस गेम के साथ, देखिए आप कोई लैगिंग नहीं, कोई इशू नहीं है इस गेम के अंदर, कोई टच रिस्पॉन्स के अंदर कोई इशू नहीं है, जैसे मर्जी आप उसको टच करें, बहुत ही फास्ट इसके अंदर रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छी गेम प्ले करता है। मैंने दोस्तों इसके अंदर काफ़ी गेमिंग की है, काफ़ी मैंने गेमिंग की है इसके अंदर, वो गेम जो सी वी उसके अंदर प्ले की मैंने इसके अंदर फार्मिंग सिमुलेटर 17 जो कंप्यूटर के चलती वो मैं इसके अंदर डाउनलोड की थी, वो दोस्तों मैंने डिलीट कर दी, वो मैंने बहुत प्ले की थी इसके अंदर, और मैंने दो तीन गेम इसके अंदर बहुत प्ले की हैं, फॉल टेट मैंने प्ले की इसके अंदर, कोई भी गेम इसके अंदर लैग नहीं करती, अपनी मीडियम सर रेजोल्यूशन पर बिल्कुल सही चलती हैं, और जो फॉल टेट है कोई भी दूसरी गेम है वो इसके अंदर हाई रेजोल्यूशन पे इसी मोबाइल उसको सपोर्ट करता है। दोस्तों ये थी मेरी आज की, दोस्तों मेरी वीडियो को आप लाइक करें और मेरी वीडियो को आप शेयर करें, उस वीडियो को आप जितना जितना शेयर करेंगे उतना मुझे इसका फ़ायदा होगा। दोस्तों प्लीज़ आप वीडियो को मेरी शेयर कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल कलर का बटन आ रहा होगा उसको दबाएँ, सब्सक्राइब हो जाएगा, और कोई राय हो तो कमेंट कर दें। और दोस्तों अल्लाह हाफिज़।